पूरी रिपोर्ट पढ़नी, मुझ पर करप्शन का इल्जाम नहीं, इखलाकी तौर पर इस्तीफा देकर खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। साबिक वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी का वीडियो पैगाम में कहना है, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को जल्द हकाइक से आगाह करूंगा। पार्टी के अंदर से कोई साजिश नहीं हुई, वक्त आने पर जिम्मेदारों को बेनकाब करूंगा। पूरी रिपोर्ट पढ़ ली जाए, उस पूरी रिपोर्ट में कहीं समीउल्लाह चौधरी के ऊपर माली बेजाब्त की बदनवानी का एक लफ्ज भी नहीं है। और हमारी पार्टी की ये रवायत रही है, जब भी किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा तो उसने पोर्टफोलियो से अपने आप को अलहदा करके उन इल्जाम का सामना किया। और मैं भी उस रवायत को बरकरार रखते हुए मैंने इस्तीफा देके मैं इल्जाम का सामना करूंगा और मैंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। मैं अनकरीब जल्द प्राइम मिनिस्टर जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलूंगा, उस्मान बुज़दार साहब से तफसील मुलाकात करूंगा और उनको हकायक बताऊंगा। जो मेरे खिलाफ जो साजिश अनासिर हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर के लोग हैं, वो कौन लोग हैं, मैं वक्त आने पर प्राइम मिनिस्टर साहब को उसके बारे में भी इंकशाफ करूँगा।